भारत का गौरव और गरिमा इसके कारण बढ़ सकती है। भाइयों बहनों, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये बात सही है कि देश इस पर सबसे पहला अधिकार किसका है, सरकार किसके लिए होनी चाहिए, क्या सरकार सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए हो, क्या सरकार सिर्फ इन्हें गिने लोगों के लाभ के लिए हो, सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। अमीर को अपने बच्चे को पढ़ाना है तो दुनिया के कोई भी स्कूल वो या तो दुनिया का कोई भी टीचर हायर कर सकता है। अमीर के घर में कोई बीमार हो गया, सैकड़ों डॉक्टर उसके तहनात में आके खड़े हो सकते हैं, गरीब कहां जाएगा, उसके नसीब में तो वो सरकारी स्कूल है, उसके नसीब में तो वो सरकारी अस्पताल है। और इसलिए सरकार का इस सबसे पहला दायित्व होता है कि वे गरीबों की सुने और गरीबों के लिए जिए। अगर हम सरकार का कारोबार गरीबों के लिए नहीं चलाते हैं, गरीबों की भलाई के लिए नहीं चलाते हैं, तो ये देश की जनता हमें कतई माफ नहीं करेगी। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस सरकार की पहली प्राथमिकता है, और हम तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों से पले हुए लोग हैं जिन्होंने हमें अंत्योदय की शिक्षा दी थी। गांधी, लोहिया और दीनदयाल जी तीनों के विचार सूत्र को हम पकड़े तो आखिरी मानवीय छोर पर बैठे हुए इंसान के कल्याण का काम इस शताब्दी के ये राजनीतिक चिंतन के तीनों महापुरुषों ने हमें एक ही रास्ता दिखाया है कि समाज के आखिरी छोर पर जो बैठा हुआ इंसान है उसके कल्याण को प्राथमिकता दी जाए, हमारी वो प्रतिबद्धता है। अंत्योदय का कल्याण ये हमारी प्रतिबद्धता है। गरीब को गरीबी से बाहर लाने के लिए उसके अंदर वो ताकत लानी है ताकि वो गरीबी के खिलाफ जूझ सके। गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का सबसे बड़ा औजार होता है शिक्षा। गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा साधन होता है अंधश्रद्धा से मुक्ति। अगर हम गरीबों में अंधश्रद्धा के भाव पड़े हैं, अशिक्षा की अवस्था पड़ी है, अगर उसमें से उसको बाहर लाने में सफल होते हैं तो इस देश का गरीब किसी के टुकड़ों पर पलने की इच्छा नहीं रखता है, वो अपने बलबूते पर अपनी दुनिया खड़ी करने के लिए तैयार है। उतना सम्मान और गौरव से जीना गरीब का स्वभाव है। हम उसकी इस मूलभूत ताकत को पकड़ करके अगर उसको बल देने का प्रयास करते हैं, और इसलिए सरकार की योजनाएं गरीब को गरीबी से बाहर आने की ताकत दें, गरीब से गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत दें, और शासन की सारी व्यवस्थाएं गरीब को सशक्त बनाने के लिए काम आनी चाहिए, और सारी व्यवस्थाओं का अंतिम नतीजा उस आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान के लिए काम में आए, उस दिशा में होगा, तब जाकर उसका कल्याण हम कर पाएंगे। हम सदियों से कहते आए हैं ये कृषि प्रधान देश है, ये गांवों का देश है, लेकिन ये नारे तो बहुत अच्छे लगे, सुनना भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या हम आज अपने सीने पर हाथ रख करके कह सकते हैं कि हमने हमारे गांव के जीवन को बदल पाए हैं, हमारे किसानों के जीवन को बदल पाए हैं? यहां मैं किसी सरकार की आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हूं, यह हमारा सामूहिक दायित्व है कि भारत के गांवों के जीवन को बदलने के लिए
उसको हम अग्रिमता दें, किसानों के जीवन को बदलने के लिए उसको अग्रिमता दें। और राष्ट्रपति जी के भाषण में उस बात को करने के लिए हमने कोशिश की। यहां एक विषय ऐसा भी आया कि कैसे करेंगे, हमने एक शब्द प्रयोग किया है रर्बन, गांवों के विकास के लिए, जो राष्ट्रपति जी के भाषण में हमने देखा। जहां सुविधा शहर की हो, आत्मा गांव की हो, गांव की पहचान गांव की आत्मा में बनी हुई है। आज भी वो अपनापन, गांव में एक बारात आती तो पूरा गांव को लगता है हमारे गांव की बारात है, गांव में एक मेहमान आता है तो पूरे गांव को लगता है हमारे गांव का मेहमान है। ये हमारे देश की एक अनमोल विरासत है, उसको बनाना है, बचाए रखना है। लेकिन हमारे गांव के लोगों को आधुनिक सुविधा से हम वंचित रखेंगे क्या? और मैं अनुभव से कहता हूं, अगर गांव को आधुनिक सुविधाओं से सज्ज किया जाए तो गांव देश की प्रगति में ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अगर गांव में भी 24 घंटे बिजली हो, अगर गांव को भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिले, गांव के बालक को भी उत्तम से उत्तम शिक्षा मिले, मान ले पल भर के लिए शायद हमारे पास हर गांव में अच्छे टीचर ना हो, लेकिन आज का विज्ञान हमें लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के लिए पूरी ताकत देता है। शहर में बैठ करके भी उत्तम से उत्तम शिक्षक के माध्यम से गांव के आखिरी छोर पर बैठे हुए स्कूल के बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं। हम सैटेलाइट व्यवस्था का उपयोग, उस आधुनिक विज्ञान का उपयोग हम गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए क्यों न करें? अगर गांव के जीवन में हमें बदलाव लाए तो किसी को भी अपना गांव छोड़कर के जाने का मन नहीं करता है। गांव को, नौजवान को क्या चाहिए? रोजगार मिल गया तो अपने मां बाप के पास रहना चाहता है। क्या गांव के अंदर हम उद्योगों की जाल नहीं खड़ी कर सकते? एटलीस्ट हम एक बल दें एग्रोबेज इंडस्ट्रीज को, अगर हम मूल्य वृद्धि करें, मूल्य वृद्धि पर हम बल दें, और आज उसकी एक ताकत है, उस ताकत को अगर हमने स्वीकार किया तो हम गांव के आर्थिक जीवन को भी, गांव की व्यवस्थाओं के जीवन को भी बदल सकते हैं, और किसान का स्वाभाविक लाभ भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। सिक्किम में छोटा सा राज्य है, बहुत कम आबादी है, लेकिन उस छोटे से राज्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। बहुत ही निकट भविष्य में सिक्किम प्रदेश हिंदुस्तान के लिए गौरव देने वाला ऑर्गेनिक स्टेट बनने जा रहा है। वहां के हर उत्पादन ऑर्गेनिक होने वाला है। आज पूरे विश्व में ऑर्गेनिक खेत उत्पादन की बहुत बड़ी मांग है। होलिस्टिक हेल्थ केयर की चिंता करने वाला एक पूरा वर्ग है दुनिया में, जो मांगो उतना दाम देकर के ऑर्गेनिक चीजें खरीदने के लिए कतार में खड़ा है। ये ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करने के लिए सिक्किम के किसानों ने जो मेहनत की है उसको जोड़ करके अगर हम इस योजना को आगे बढ़ाएं तो दूर सुदूर हिमालय की गोद में बैठा हुआ सिक्किम प्रदेश कितनी बड़ी ताकत के साथ उभर सकता है। और इसलिए क्या कभी हम सपना नहीं देख सकते कि हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में हम कैसे उभार सकें, और पूरे नॉर्थ ईस्ट को ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में हम उभारें और विश्व के मार्केट को कब्जा करने के लिए भारत सरकार की तरफ से उनको मदद मिले तो वहां दूर पहाड़ों में रहने वाले लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। कृषि के जीवन में हमारी इतनी कृषि यूनिवर्सिटीज है, बहुत रिसर्च हो रही है, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा है कि जो लैब में है वो लैंड पर नहीं है। लैब से लैंड तक की यात्रा जब तक हम उसको बल नहीं देंगे, हम कृषि को परंपरागत कृषि से बाहर लाकर के आधुनिक कृषि की ओर जाने की आवश्यकता है। गुजरात ने एक छोटा सा प्रयोग किया था, सॉइल हेल्थ कार्ड। हमारे देश में मनुष्य के पास भी अभी हेल्थ कार्ड नहीं है, लेकिन गुजरात में हमने एक इनिशिएटिव लिया था, उसकी जमीन की तबीयत का उसके पास कारण रहे, उसके कारण उसे पता चला तो उसकी जमीन जिस पाक के लिए उपयोगी नहीं है वो उसी फसल के लिए खर्चा कर रहा था, जिस फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है उतनी मात्रा में वो फर्टिलाइजर डालता था, जिन दवाइयों की कतई जरूरत नहीं थी वो दवाइयां लगाता था,
बेकार में साल भर में 50,000 लाख रुपए यूं ही फेंक देता था, लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड के कारण उसको समझ आई कि उसकी कृषि को कैसे लिया जाए। क्या हम हिंदुस्तान के हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का अभियान पूर्ण नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। और सॉइल टेस्टिंग के लिए भी हम अध्ययन के साथ कमाई का भी एक नया आयाम ले सकते हैं। जो लोग मुझे पूछ रहे हैं कैसे करोगे, मैं इसलिए एक विषय को जरा लंबा खींच करके बता रहा हूं कैसे करेंगे। हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अप्रैल मई जून के अंदर जब वैकेशन में गांव जाते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में जो 10+2 की स्कूल्स है जिसमें एक लेबोरेटरी होती है, क्यों ना वैकेशन में वो लेबोरेटरी को सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में कन्वर्ट किया जाए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो कि वैकेशन में अपने गांव जाते हैं उनको स्कूलों के अंदर काम में लगाया जाए, और वैकेशन के अंदर वो अपना सॉइल टेस्टिंग का काम उस लेबोरेटरी में करें, उसकी कमाई होगी, उस स्कूल को कमाई होगी, और उसमें से अच्छी लेबोरेटरी बनाने का इरादा बनेगा। एक एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि हम छोटे 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 प्रायोगिक उपाय करेंगे तो हम चीजों को बदल सकेंगे। आज हमारे रेलवे की आदत क्या है, वो लकीर के फकीर हैं, उनको लिखा गया कि भाई मंडे को जो माल आए वो एक वीक के अंदर चला जाना चाहिए। अगर मंडे को मार्बल आया है स्टेशन पे मुंबई पहुंचाना है, और ट्यूजडे को टमाटर आया है तो पहले मार्बल भेजता है, टमाटर बाद में भेजता है। क्यों? मार्बल अगर 4 दिन बाद पहुंचेगा तो क्या फर्क पड़ता है, टमाटर पहले पहुंचता है तो कम से कम हमने हमारी पूरी व्यवस्थाओं को सेंसिटाइज करना पड़ेगा। आज हमारे देश का दुर्भाग्य है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हुई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम पर दुनिया में हम छाए हुए रहे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में हमारी पहचान बन गई, लेकिन आज हमारे देश के पास एग्रो प्रोडक्ट का रियल टाइम डाटा नहीं है। क्या हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नेटवर्क के माध्यम से एग्रो प्रोडक्ट का रियल टाइम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं? महंगाई को दूर करने का हमने वादा किया और हम इसमें प्रामाणिकता से प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसलिए नहीं वो सिर्फ चुनावी वादा था इसलिए कर रहा है, ये हमारी सोच है कि गरीब के घर में शाम को चूल्हा जलना चाहिए।